और ये आज होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पर केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का पुतला है जिसका जो है दहन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आज कैनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर के बाहर, यहाँ पर अगर बात की तो शराब घोटाले का जो नाम दिया गया कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जो है होलिका दहन, होली का जो त्यौहार है उससे पहले होलिका दहन किया जा रहा है यहाँ पर। और कहा जा रहा है इसमें दिल्ली सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसका होलिका दहन यहाँ पर, बुराई पर अच्छाई की जीत की जो बात की जाती है होलिका दहन में, वो यहाँ पर जो है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से। और कुल आपको बता दें 70 विधानसभाओं में, दिल्ली में 70 विधानसभाएँ हैं, वहाँ की 70 की 70 विधानसभाओं में सुबह से ही ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहे हैं और शाम तक जो है ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। और अगर बात करें एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से 2500 जो है नुक्कड़ सभाओं की बात सामने आ रही है कि आई लव मनीष सिसोदिया जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें जन जागरण की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी की तरफ से जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं और ये आज होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पर केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का पुतला है जिसका जो है दहन किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है दिल्ली बीजेपी की तरफ से किया गया, अगर बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो देखिए आग लगने के बाद जो है वो छार भी कर दी गई है ताकि आग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जो है फैले ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो है पुतला दहन का जो कार्यक्रम है, होलिका दहन का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर किया गया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। और लगातार जैसे इस शराब घोटाले में नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, सीबीआई की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि कैसे मनीष सिसोदिया जो हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, लेकर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मुझे जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार सवाल वही पूछा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि जैसे खुलासा हो रहा है इस मामले में जो दिनेश अरोड़ा इसमें मुख्य जो है गवाह बनकर के सामने आए, उनके हवाले से जो खबर सामने आई कि सिसोदिया की तरफ से केजरीवाल के घर पर बुलाया गया था जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो समीर महेंद्रू का इसमें जो खुलासा हुआ था कि कैसे केजरीवाल ने फेस टाइम कॉल पर यहाँ जो है वो ये बात कबूल कि ये विजय नायर जो है मेरा बच्चा, दोनों जो है वो इसमें फंसे हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी लगातार जो है वो इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। देखिए मैंने ये कहा, एक कहानी सुनाई कि आसुरी शक्ति का एक राजा था जिसकी जान तोते में बंद थी, आज जब तोता पिंजरे में फड़फड़ा रहा है तो वो आसुरी शक्ति सब एक हो रहे हैं। वीरेंद्र जी एक सवाल, हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा हैं, दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर अगर बात की जाए यहाँ पर 9 विपक्षी दल एक साथ आए हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर के फारूक अब्दुल्ला तक, पीएम मोदी को लिखा कि देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाह चल रहा है। देखिए वो विपक्षी दल अगर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं तो जनता के बीच उनकी सच्चाई भी जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि उन सबको समझना चाहिए कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जांच एजेंसी या इन एजेंसियों पर सवाल उठाना गलत है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। एक कमेंट यहाँ पर अगर बात करें, कोर्ट में मामला चल रहा है, बीजेपी भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रही है और दूसरी तरफ अलग अलग कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखे जा रहे हैं जबकि मामला कोर्ट में पहुँच चुका है। देखिए हमारी लड़ाई 10 महीने से चल रही है और दिल्ली की जनता उसी दिन जीत गई थी जिस दिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाँच शुरू हुई। और मेरा मानना है कि ये संघर्ष अभी जारी है, घोटाले की पूरी परतें खुलेंगी, अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना होगा। ऐसा हो रहा है दिल्ली की सरकार,
ऐसा है दिल्ली की सरकार में हो रहा है। एक टीचर जो होम साइंस का टीचर है उसको कहा गया इंग्लिश पढ़ाइए, क्योंकि वो सब इनके लोग हैं, इनको पैसा देते हैं, इसलिए उनको लगाना है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लंबी लड़ाई है और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले साल भर का जो संघर्ष दिल्ली की जनता के साथ मिलकर हम कर रहे थे, उस दिल्ली की जनता की विजय हुई उस दिन जिस दिन मनीष सिसोदिया इस जांच एजेंसी की जद में आए। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि मनीष सिसोदिया तो झांकी है, बड़ी मछली अभी बाकी है और वो भी इसकी जद में आएगी। आम आदमी की पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा है आप हमसे मत पूछिए, जाइए अदानी अन्ना हजारे से पूछिए, वो आपको अरविंद की हकीकत बताएंगे। क्या कहकर आए थे, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी कोठी नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, अगर आरोप भी लगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। यहां तो जांच शुरू हो गई, उसके बाद भी तुम्हें शर्म, जिस कोठी में अरविंद केजरीवाल रहते हैं उस कोठी में 32 करोड़ का तो स्विमिंग पूल है, लोग यहाँ पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं, 38 कमरे उसमें एसी लगे हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। तो ये नई दिल्ली की जनता को भी तय करना है कि आप प्रतिनिधि चाहिए। तो दोस्तों, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लगातार चलने वाली लड़ाई है। हमने पीछे 2 दिन लगातार प्रदर्शन किए हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, आगे भी चलते रहेंगे, करते रहेंगे जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दे दें। तो बोलिए, उसके इस्तीफे के लिए तैयार है ना, आवाज आनी चाहिए, इस्तीफे के लिए है ना, इस्तीफे के लिए तैयार है ना। तो अभी इस भ्रष्टाचार के पुतले को जलाने का काम करते हैं और इस भ्रष्टाचार का पुतला जब नीचे गिरेगा तो यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती यहां से शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, भारत माता की, भारत माता की। उसमें जनजागरण की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी की तरफ से जनजागरण अभियान चलाए जा रहे हैं और ये आज होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का पुतला है जिसका जो है दहन किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है दिल्ली बीजेपी की तरफ से किया गया, अगर बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो देखिए आग लगने के बाद जो है